बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और रूस यात्रा के पहले दिन पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। आज समिट में शामिल होने वाले हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। और रूस यात्रा के पहले दिन पीएम ने वहां पर, आप ये जानते हैं, कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। अब पीएम मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दोनों के बीच में ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। दोनों के नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और ये बैठक देखिए काफी अहम होने वाली है। लंबे अरसे से चली आ रही भारत और चीन के रिश्तों की तलखी में हाल के दिनों में थोड़ी सी कमी आई है और ऐसे में दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी। दोनों की मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। देखिए पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है, ये आप जानते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। कल व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का स्वागत किया, पुतिन के साथ में उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। और कजान से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं इस समिट से जुड़ी हुई मेरे सहयोगी विशाल पांडे, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज दूसरा दिन है, पीएम मोदी वहां पर मौजूद है और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है, क्या डिटेल्स है और आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 4 बजे के बाद यह मुलाकात कजान के एक्सपो सेंटर में होगी जहां पर ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आप देखिए मल्लापुरम में जब बैठक हुई थी उसके बाद से ये पहली द्विपक्षीय बैठक मानी जाएगी। इसके अलावा हमने देखा था 2022 में इंडोनेशिया के बाली में पोलर साइड मीटिंग हुई थी, सिर्फ हाथ मिलाया था, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय भी बस चलते चलते एक पुल असाइड कहा जा सकता है जो हुआ था, लेकिन कोई प्रॉपर मीटिंग 2019 से अब तक नहीं हो पाई थी। तो लगभग 5 सालों बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों से लेकर जिस तरह से कल विदेश सचिव ने साफ किया कि एलएसी पर 2020 से पहले की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बहाल होगी, ये विदेश सचिव का कहना था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से और चीन की तरफ से जो लगभग 22 से 23 राउंड की बैठकें हुई थी सीमा विवाद को लेकर, उन सब के बाद जो सहमति बनी है, अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज शाम 4 बजे के बाद रूस के कजान शहर में द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शाम को 4 बजे के बाद मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, ये विशाल जानकारी दे रहे हैं जिस पर भारत चीन के अलावा पूरे दुनिया की नजरें लगातार बनी हुई हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।